इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है वो वर्ल्ड वाइड उसकी व्यूअरशिप भी ज्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज भी हो तो एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के हमेशा से अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का खासा रहा है, श्रीलंका में जो कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह की हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इस दफा एशिया कप में। मुझे काफी उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। एवरीवन इज अ प्रोफेशनल और सईद अजमल जो है इज अ वेरी बबली करेक्टर, शाहिद भाई एज अ सीनियर प्लेयर वो हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान टीम के, यानी कि मैं अगर बोलूं तो प्रीवियस मैच में एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी आपने दी थी एजाज, तो उस हवाले से अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा 2012 का जो एशिया था। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी अल्लाह का शुक्र है, इट्स अ ग्रेट मेमोरी फॉर मी, लाइफ टाइम मेमोरी है। 2012 में जब हम एशिया कप जीते थे 12 साल के बाद, और पाकिस्तान दो दफा ही एशिया कप जीता है, तो उस टीम का हिस्सा होना और उसमें खेलते हुए लास्ट ओवर करना फाइनल का और परफॉर्म करना, इट्स अ ग्रेट ऑनर और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ग्रेट फीलिंग। और उस मैच में तमाम तर टीमों के लिए आप जो एक डरावना ख्वाब भी रहे थे और एशियन कंडीशन भी थी और हाईएस्ट विकेट टेकर भी आप रहे थे, तो क्या फीलिंग्स थी, वो एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि इस साल भी जो है पाकिस्तान में पहले एशिया कप पाकिस्तान में होगा और उसके बाद फिर जो है वो खेला जाएगा श्रीलंका में, तो पिचेस के हवाले में बताइएगा कि कितनी सपोर्टिव रहेगी अगर पाकिस्तान की बात करें हम तो। देखिये श्रीलंका में जो कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह की हैं, जो विकेट्स वगैरह तकरीबन पाकिस्तान की तरह की हैं, और लेकिन वहां पे जो रात के टाइम आप सब मैं समझता हूँ कि बॉल स्विंग जरा ज्यादा होता है निस्बतन, सो ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए सपोर्टिंग कंडीशंस होती हैं श्रीलंका में, और आई होप के एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इस दफा एशिया कप में इस बार। अच्छा मुझे ये भी थोड़ा बताइएगा कि उस मैच में जो है वो सईद अजमल भी थे, आफरीदी भी थे, तमाम तर प्लेयर्स थे, तो कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे ज्यादा शुगल मेला लगाता था मैच में, कौन से ज्यादा फन लविंग पर्सन कौन थे उस वक्त के? नहीं ऑब्वियसली ऑन द फील्ड जो है ऑब्वियसली एवरीवन इज अ प्रोफेशनल और सब 100% कंसंट्रेट मैच की कंडीशन और उसके हवाले से करते थे अपनी गेम के ऊपर, टीम गेम के ऊपर। अदरवाइज आउटसाइड द फील्ड तो मैं समझता हूँ कि सईद अजमल जो है इज अ वेरी बबली करेक्टर और सब उनके साथ बड़ा अच्छा कंपनी बनती है सबकी, और शाहिद भाई एज अ सीनियर प्लेयर जो है वो हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं, और यूनस खान और मिसबा उल हक भी जो है वो ऑलवेज बीन सपोर्टिव, मोहम्मद हफीज बड़े सपोर्टिव थे, तो बड़ा अच्छा माहौल रहा टीम का। यानी कि अच्छा मिसबा की जैसे आपने बात की है तो मिसबा कैप्टन भी थे, तो मिसबा भाई जो है वो किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट करते थे? ऑब्वियसली बीइंग कैप्टन पूरा कॉन्फिडेंस देते थे आपको, और जिस तरह मैंने एशिया कप में बॉलिंग की, एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, 4 आउट किए थे, फिर मेरी बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और फिर फाइनल में भी, तो ऑब्वियसली उनके साथ मैं डिस्कस करता था, वो कैप्टन थे, और फील्ड डिस्कस करके बॉल का बताता था कि मैं ये बॉल करना चाह रहा हूँ, हम उसके मुताबिक फील्ड सेट करते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और ही इज अ वेरी मैच्योर एंड he has proved himself के great captain पाकिस्तान के, test cricket में भी वो पाकिस्तान के number one test captain on stats है, तो obviously एक great experience था मेरे लिए। अच्छा जैसे आपने इंडिया का नाम लिया है तो इंडिया के हवाले से भी मैं जरूर क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि आपने उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मैचेस भी खेले हैं और आपको उनको आपको तजर्बा भी है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आपके इंडिया के अगेंस्ट जो है वो कितना प्रेशर होता था आप पे मैच में? जी ऑब्वियसली दूसरी टीम्स की निस्बत एक इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है वो वर्ल्ड वाइड उसकी व्यूअरशिप भी ज्यादा है, और एक प्रेशर तो होता है, लेकिन ऑन द फील्ड एज प्रोफेशनल्स जब हम ऑन फील्ड होते हैं तो आपकी सारी कंसंट्रेशन जो है वो ऑन पर्टिकुलर डिलीवरी या उस मैच की सिचुएशन के ऊपर होती है, तो एज प्रोफेशनल्स हम इसके साथ अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तरह कोप करते हैं,
लेकिन हाँ इसमें नो डाउट कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऑन प्लेयर्स प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और फिर आप लोगों पे जो है वो प्रेशर ना हो तो फिर मैच का मजा ही नहीं आता, और ऑलमोस्ट आप जो है इंडियन प्लेयर्स के लिए काफी नाइटमेयर भी साबित हुए हैं, तो उस हवाले से अपना तजुर्बा भी जरा शेयर कीजिएगा। जी बेसिकली इंडिया जो है उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से मैच जीत गया था, उसमें विराट कोहली ने उस मैच में 183 स्कोर किया था, मुझे याद है हमने 320 स्कोर किया था और इंडिया ने वो चेज कर लिया था। लेकिन जो है ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था इंडिया के साथ मैच में, काफ़ी कुछ मुझे एज अ मतलब कि पाकिस्तान टीम में अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ओवरऑल आउटसाइड द फील्ड प्लेयर्स का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक है और अच्छी बातचीत है, तो बड़ा अच्छा लाइफ टाइम मेमोरी रही मेरे लिए। तो बिल्कुल, जैसे एजाज हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी कोई सीरीज नहीं हुई है, और जो सीरीज हुई है वो 2012 और 13 में हुई थी T20 और ODI की, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज ना होना कोई लाइक पॉलिटिक इश्यूज हैं या फिर इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस हों, क्या लगता है कि क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है? देखिए ये तो ऑन गवर्नमेंट्स है और जो है ये उनका डिसीजन है, लेकिन जब भी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होती है तो दुनिया भर से लोग इस क्रिकेट को बहुत इंजॉय करते हैं, व्यूअरशिप हर लिहाज से और ज़्यादा होती है, स्पॉन्सरशिप्स ज़्यादा मिलती हैं, तो इसमें दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का फ़ायदा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर नियर फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज भी होंगी। अभी कमिंग टू द टॉपिक, जिस तरह एशिया कप आ रहा है तो पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैच है उस पर बहुत सारा फोकस है, और आई फील कि पाकिस्तान ने जिस तरह अभी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच जीता और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, तो एक बहुत ही अच्छा मैच उम्मीद कर रहा हूँ देखने को मिलेगा और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, व्यूअर्स को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट मिलेगी और फैन फॉलोइंग मैं समझता हूँ और ज्यादा पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट के हवाले से बढ़े। अच्छा, जैसे आपने बात की इंडिया के हवाले से, तो हमारे जो भी प्लेयर्स होंगे जब उन तमाम टीमों के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे, फिर चाहे वो इंडिया हो या दूसरे टीमें हो, तो स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के अगेंस्ट हमें किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और किन प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, तो आपकी क्या राय होगी? नहीं, ऑब्वियसली जो भी आपका 15 या 16 का स्क्वाड होता है एवरीवन इज केपेबल, और करंट सिचुएशन देखते हुए वहां पे कंडीशंस देखते हुए ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट जो है टीम बनाती है 11 की, कप्तान और मैनेजमेंट मिलके, तो जो है ऑब्वियसली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान के हमेशा से अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का खासा रहा है, पाकिस्तान की एक ये खसूसियत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह मुझे काफी उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एजाज, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान को 15 रुकनी जो स्क्वाड हमारा होगा, ठीक है, उसमें आप किन 5 फास्ट बॉलर्स को देखना चाहते हैं, तो आप किन को देखना चाहते हैं कि कौन से 5 फास्ट बॉलर जो है वो टीम का हिस्सा हो? देखें ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम है और सब ही पाकिस्तान के जो अभी टॉप के जो बॉलर्स हैं सब अच्छे हैं, और आई होप के मैं उम्मीद करता हूं और आई विश देम ऑल द बेस्ट जो भी सिलेक्ट हो और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीते। जी बिल्कुल, जैसे अभी जो सीरीज होगी हमारी अफगानिस्तान से अगस्त में, जो 22 अगस्त से स्टार्ट है, तो वो भी श्रीलंका में होनी है, तो वो सीरीज कितनी फायदेमंद होगी स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस भी खेले हैं श्रीलंका में ही, और फिर एशिया कप भी श्रीलंका में होगा, और अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो भी एशियन कंडीशंस में होगा, तो ये सीरीज कितनी फायदेमंद होगी टीम के लिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदा होगा प्लेयर्स को कंडीशंस के साथ कोप करने में और विकेट्स के हवाले से ग्राउंड कंडीशंस एटमॉस्फेयर उसके साथ कोप करने में, तो डेफिनेटली
इट्स अ विन विन सिचुएशन के अफगानिस्तान के साथ आपके वहां पे सीरीज है 3 मैचों की, और ग्रेट अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं शाहिन शाह आफरीदी की बात करूं तो शाहिन शाह आफरीदी एक साल बाद जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में आए हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट ही इंजर्ड हुए थे और श्रीलंका के अगेंस्ट ही मैच खेल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खिलाना इंजरी के बाद, क्या आप शाहिन शाह आफरीदी पर बोझ तो नहीं डाला जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी एक फास्ट बॉलर नहीं है तो इस फास्ट बॉलर कोई बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल का फैसला होता है, और मैं समझता हूँ कि वो सुपर फिट लड़का है, किसी भी लड़के को हर किस्म की क्रिकेट के लिए तैयार रहना चाहिए, और कोई इसमें किसी किस्म का किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता, और ये इंडिविजुअल का फैसला है, और उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इज फिट, और मेरा ख्याल है कि हर फॉर्मेट खेलना चाहिए, इट्स ग्रेट साइन। यानी आप कहना चाहते हैं कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ता? जी जी बिल्कुल है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें एहसानुल्लाह की, तो एहसानुल्लाह को जो है वो डेब्यू आप क्या समझते हैं कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करवा लिया, और अभी हम देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह जो है वो इंजरी का शिकार भी हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने इन मैटर्स के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ये सारा सिलेक्शन कमेटी का फैसला होता है, और हर प्लेयर जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, जो उसने परफॉर्म किया, वो रेडी होता है पाकिस्तान के लिए, और ये इट्स ऑन सेलेक्टर्स जो उसको एतमाद करते हैं, और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ही इज अ गुड केपेबल बॉलर, और आई विश हिम, और जितने भी फास्ट बॉलर पाकिस्तान से खेल रहे हैं ऑल आर केपेबल, और मैं आई विश देम ऑल द बेस्ट। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान टीम को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम वनडे क्रिकेट में जो है नंबर 2 पे है इस वक्त वर्ल्ड में, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी लास्ट सीरीज पाकिस्तान में जीते, और मैं उनको विश देम ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम को, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जिस तरह की अभी इन्होंने टेस्ट मैचेस में भी बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, एग्रेसिव क्रिकेट खेली, और कन्विंसिंगली सीरीज जीती श्रीलंका से टेस्ट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वनडे फॉर्मेट में जैसे ये वर्ल्ड नंबर 2 पे है पाकिस्तान टीम, तो इस एशिया कप में पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट जीतेगी। आई विश देम ऑल द बेस्ट।